आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि समुद्र की रानी कहलाई जाने वाली मेगालोडोन शार्क जो आज से करोड़ों साल पहले समुद्र में राज किया करती थी, तो फिर हमें आज तक उसकी कोई हड्डी या फॉसिल्स क्यों नहीं मिले? जैसा कि हमें धरती से विलुप्त हो चुके जानवरों के अवशेष तो मिल जाते हैं और वैज्ञानिक इन पर रिसर्च करके इनके होने का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को कभी मेगालोडोन के फॉसिल्स क्यों नहीं मिले? क्या मेगालोडोन के अंदर हड्डियां ही नहीं थी, या मेगालोडोन नाम का कोई जीव था ही नहीं? तो आइए जानते हैं। तो देखो, एक शार्क का स्केलेटन केराटिन से बना होता है, ना कि कैल्शियम की किसी ठोस हड्डी से। और ये केराटिन का स्केलेटन शार्क के मरने के बाद समुद्र में डिकम्पोज्ड हो जाता है या फिर किसी दूसरी मछली का खाना बन जाता है। यहाँ तक कि एक इंसान भी मेगालोडोन शार्क की हड्डियों को उबालकर खा सकता है। और यही कारण है कि आज तक मेगालोडोन शार्क के दांतों को छोड़कर उसकी हड्डियां कभी नहीं मिली, क्योंकि दांत कैल्शियम से बने होते हैं इसलिए वो पानी में नहीं घुलते। वैसे मेगालोडोन और मोसासोरस की लड़ाई करा दी जाए तो दोनों में कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना।